आर्यन की बेल पर सुनवाई से पहले मुंबई के एनसीबी दफ्तर में हलचल तेज है। थोड़ी देर पहले अधिकारी एनसीबी दफ्तर से फाइल लेकर निकले हैं और कहां जा रहे हैं ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। तो आर्यन केस के आईओ हैं वीवी सिंह, वो कुछ एफिडेविट फाइल करेंगे। सर, नहीं, आज एफिडेविट का नहीं है, आज सिर्फ बेल का मैटर लगा। तो बेल का विरोध करेंगे सर, बेल का विरोध करेंगे। आप देख पा रहे हैं जो ये वीवी सिंह है आर्यन केस के आईओ हैं और इनके हाथ में आप देख पा रहे होंगे जो ये लाल रंग की फाइल है, इसी फाइल में कुछ दस्तावेज है, वो दस्तावेज लेकर जा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि जो वकील है उनसे मिलने के लिए ये जा रहे हैं। तो वहीं दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े के समर्थन में पोस्टर लगे हैं, यानी अब उनके समर्थन में जहां कुछ लोग हैं वहीं दूसरी तरफ आज उनसे 11 बजे ये बताया जा रहा है एनसीबी दफ्तर भी वो पहुंचेंगे। ये तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं एनसीबी दफ्तर के बाहर, जहां समीर वानखेड़े को सलाम ये लिखा हुआ है, जनता आपके साथ है। तो समीर वानखेड़े पर जो आरोप लग रहे हैं कि 25 करोड़ का आरोप उन पर है कि आर्यन खान को छोड़ने के लिए 25 करोड़ की डिमांड की गई थी, 18 पर बातचीत तय हुई थी, 8 करोड़ तो इसमें समीर वानखेड़े को ही मिलने थे, लेकिन इन सारे मामलों पर समीर वानखेड़े ने कहा कि मैं जवाब दूंगा, ये सारे आरोप गलत है। एनसीबी दफ्तर के बाहर समीर वानखेड़े को लेकर कुछ लोगों ने पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें लिखा है समीर वानखेड़े को सलाम, जनता आपके साथ है, झुकना नहीं फर्ज निभाओ। ये पोस्टर क्लेम किया जा रहा है हिंदू सेना की तरफ से, जिसको सुरजीत यादव नाम के शख्स ने यहां पर लाकर लगाया है। ये जो दीवार है ये इसके अंदर ही एनसीबी का दफ्तर है, जहां पे एनसीबी के डीजी, डीडीजी और तमाम जोनल ऑफिसर्स दिल्ली के बैठते हैं। जाहिर है इस केस को शुरुआत में ही पॉलिटिसाइज किया जा रहा था, इस पर राजनीति शुरू हो गई थी, नवाब मलिक ने आरोप प्रत्यारोप लगाए, उसके बाद समीर वानखेड़े के फादर भी सामने आए, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की, उनकी पत्नी सामने आई, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। तो इस पूरे मामले को एक ड्रग्स की जांच से हटाकर एक ऐसा मोड़ दिया जा रहा है जिसमें कहीं ना कहीं राजनीति और धर्म दोनों ही शामिल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अंकित के साथ तंसीम हैदर, दिल्ली आज तक।